जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि विश्वविद्यालय ने बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के लिए प्रेस रिलीज कर दिया है। जी हाँ, कल रात को ही ये नोटिस आई है। तो मैं आपको जिस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट में क्या अंतर है और इसका एग्ज़ाम फॉर्म कहाँ जमा हो गए, कैसा फॉर्म भरेंगे और कितना फ़ी है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो देखिए, बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट, बैक पेपर सिर्फ वो विद्यार्थी देते हैं जो एक पेपर में वो बैक लगा हुआ है। जी हाँ, जैसे मान के चलिए आपका फिलॉसफी था फर्स्ट ईयर में, तो फिलॉसफी में दो पेपर होता है, पहला है इंडियन फिलॉसफी और दूसरा है एथिक्स। तो अगर दोनों पेपर में से जैसे आपका एथिक्स एथिक्स में आप मतलब पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है तो आप बैक पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि आपका एक पेपर में बैक लग गया तो आप लोग बैक पेपर देंगे ताकि हम फिर से पास हो जाए और हमारा मतलब ईयर बैक ना लगे, तो बैक पेपर इसलिए देते हैं। और इम्प्रूवमेंट इसलिए हम लोग देते हैं, जैसे आपका फिलॉसफी में आपने आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर लिया है, तो जैसे 150 नंबर के दोनों पेपर वन और पेपर टू मिला के मतलब 150 नंबर का होता है 75-75, लेकिन आपको सिर्फ 100 मार्क्स से मिले हैं या 110, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हम 130 ला सकते हैं, 140 ला सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि अपना नंबर बढ़ा सकें। लेकिन हाँ, आप लोग बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अगर दोनों पेपर में मिला कर 100 आया है और आप फिर से दे रहे हैं तो आपका 80 भी आ सकता है। जी हाँ, 80 भी आ सकता है और वहीं एकदम एप्लीकेबल भी हो जाएगा। मतलब अगर कभी हो सकता है कि अगर आपने जब एग्ज़ाम दिया हो तो ज़्यादा हो और इम्प्रूवमेंट के लिए दिया हो तो कम भी हो सकता है, तो इसलिए आप लोग बात को ध्यान में रखिएगा। बैक पेपर उसमें देते हैं जो मतलब फिर से बता दे रहा हूँ कि बैक पेपर उसमें देते हैं जिसका एक पेपर में आपका बैक लगा हुआ हो, और ये इम्प्रूवमेंट देते हैं नंबर बढ़ाने के लिए। अब देखिए आगे क्या कल नोटिस आया है। तो देखिए, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट एग्जाम का आवेदन करने के लिए सूचना जारी हो गई है। अतः बैक पेपर इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म लल्ला चुंगी के किसी भी साइबर कैफे से फॉर्म भर के FCI बिल्डिंग के BA Part 1 काउंटर पर आप जमा कर सकते हैं। एड्रेस देख लीजिए, लल्ला चुंगी के किसी भी साइबर कैफे में आपको फॉर्म मिलेगा, वहां से फॉर्म भर के ऑनलाइन आपको FCI बिल्डिंग के BA Part 1 में जमा कर देना है। दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करना होगा, फिर ऑनलाइन बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट एग्जाम की फ़ीस रसीद लगेगी। जी हाँ, आपको फ़ी जस रसीद यानी जो आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो उसका फ़ी रिसिप्ट, और ओरिजिनल मार्कशीट लगेगी BA सेकेंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की। अगर आपको फर्स्ट ईयर में बैक लगा हो तो आप फर्स्ट ईयर वाले अपना ओरिजिनल मार्कशीट लगाएंगे। फिर उसके बाद बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के लिए 500 रुपये फ़ीस लगेगी। जी हाँ, 500 रुपये फ़ीस लगेगी पर पेपर। अगर आप एक पेपर में देना चाहते हैं तो एक पेपर, अगर इम्प्रूवमेंट के लिए दो पेपर में देना चाहते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। अप्लाई डेट आज से लेके 22 सितंबर 2023 से लेके लास्ट डेट 29 दिसंबर 2023 तक है, सॉरी 29 सितंबर 2023 तक। तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। और हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।